आराम से सीधे बैठे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाने वाला हूँ कहीं। अबीर हमारी बात सुन और ठंडे दिमाग से समझ ले इस बात को। थोड़े दिनों के लिए इस शहर को छोड़ के चला जा प्लीज। कुछ दिनों के लिए तेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। और फिर पीछे से सत्तू जी है ना, तेरे पापा है ना। देख मेरी बात सुन मेरे चोपड़े, तू कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। ये छोड़ेंगे नहीं तुझे, ये तो पक्का है। कहीं ना कहीं से तुझे ढूंढ लेंगे। जाऊंगा जरूर सत्तू सर, लेकिन भाग के नहीं, उस पिंकी भाव के घर में घुस के ना उसका मुंह तोड़ूंगा। उसके बाद और फिर क्या होगा? अभी वो लोग वापस आएंगे, मारपीट करेंगे, बदला लेंगे। तुम ज्यादा सुपर हीरो मत बनो अभी। अरे ऑफिस में और भी लोग हैं, उनकी सेफ्टी भी जरूरी है ना। ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात नहीं है। ठीक है जा रहा हूँ। अरे 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 सर, अबीर अबीर तत्ती, ऑफिस में सबको बोलो घर जाए, आज छुट्टी है। ओके सर। अबीर कहाँ जाओगे? कहीं पे भी चला जाऊंगा, सिंगापुर दुबई जहाँ की भी फ्लाइट मिलेगी। अपना ख्याल रखना। माँ, एक मिनट इधर देखो। अरे क्या है? देखो तो सही आप एक बार। काम कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो? ओके प्लीज। क्या है टुल्लू? ये देखो, सारी की सारी सोशल साइट्स पे वीडियो आ गया है ये। और सब लोग ना मिलके मजाक उड़ा रहे हैं। हे भगवान! कमेंट्स तो ऐसे-ऐसे लिख रहे हैं कि क्या बताऊं आपको। ऐसा क्यों किया होगा इन्होंने? मुझे क्या पता, बस इतना याद रखना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भाभी क्या हुआ, क्या देख रहे हो? वो कुछ नहीं दीदी, टुन्नू का फोन यहाँ रह गया था। ले ले रख ले तेरा फोन। जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे, दिखा टुन्नू। कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी तो नहीं है। भी नहीं है। दिखा फोन। बर्फ का पानी क्या चीज है आपके लिए, तो मैं आग से खेल जाता। अपने बेटे को आपकी कंपनी में काम दिलाने के लिए सब कर रहा। भाभी श्याम भाई साहब ना आम आदमी नहीं रहे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। कर दिया। अबीर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे तू कब तक भागेगा? और क्या जरूरत थी तुझे उन गुंडों से भिड़ने की? अरे माँ, आपकी फेवरेट महर के चक्कर में गुंडों से भिड़ा हूँ। और भिड़ने के वक्त ये भी नहीं पता था मुझे कि वो पिंकी भाई का कोई भाई निकलेगा। लेकिन तू पुलिस को फोन क्यों नहीं कर रहा है? और पापा, पापा को फोन कर, तेरे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। माँ मैं दुबई कोई सेटल होने नहीं जा रहा, चार दिन के लिए जा रहा हूँ। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये सब कुछ करके सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ जस्ट चिल, आपको पता चिल क्या होता है? आपके टाइम में ऐसे कहते थे शांति रखो। जस्ट रिलैक्स यार, कुछ नहीं होने वाला, तू समझा यार। क्या यार माँ, आप बात बात में रोने लगते हो यार। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, आपकी बेटा हूँ।
विदाई होके जाने नहीं वाला। आ जाऊंगा ना चार दिन में, और मुझे पता वैसे भी मेरे यहाँ से निकलते ही ना अपने पापा को फोन कर देना है, और तब तक उनका सिर खाना जब तक उन्होंने सब कुछ ठीक नहीं कर देना। एकदम चुप, यही रुक। क्या वीर, बैग पैक कर, जल्दी कर, लेट हो रहा है। ये मैं हलवा बना रहा हूँ, पैकिंग ही तो कर रहा हूँ ना। वैसे तो मौली बांध दिए मैंने, सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना। एक बात बताओ, आप माओ के ड्रॉर में हमेशा ये मौली और फ्रिज में हमेशा ये दही चीनी रखा रहता है क्या, या आपका कुछ स्पेशल है? जल्दी आ जाऊंगा, गिटार उठा ले। ध्यान रखना बेटा। बैंक भी गारंटी देने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। बस आपका पेमेंट बैंक में आ जाए एंड सॉरी। इन्वेस्टर्स को सिर्फ हमें दिखाना है कि हमें I'm sorry, can I just take this call? I'm so sorry. I'll just get back. Thank you. One second. माधवी, जब मैं फोन नहीं उठा रहा उसका मतलब ये है कि मैं बिजी हूँ। You understand that? सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी हेलो, यार ये फोन क्यों नहीं मिल रहा यार? क्या हुआ? मेरे पूछ नहीं है पिताजी, फोन नहीं उठा रहे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। So once I get everything, I'll get back to you. Okay, I'll call you. Thank you so much. Bye bye. हेलो। हेलो अंकल, मैं निसार हूँ, अबीर का फ्रेंड। हाँ बोलो निसार जी। अंकल एक्चुअली आपकी एक हेल्प चाहिए थी, अबीर एक प्रॉब्लम में फंस गया है। तो कौन सी नई बात है निसार? कब है जब अबीर प्रॉब्लम में नहीं है, वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, बल्कि वो खुद एक प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, आई हैव नो सॉल्यूशंस फॉर इट, राइट? हेलो, क्या हो गया? हेलो, कम ऑन यार। क्या कहा पिताजी ने? ये अबीर खुद ही एक प्रॉब्लम है जिसका कोई हल नहीं। नहीं, वो कनेक्शन में प्रॉब्लम थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हाँ निसार, कनेक्शन में प्रॉब्लम है लेकिन फोन के नहीं, मेरे और मेरे पिताजी की। सॉरी यार। सॉरी तू क्यों बोल रहा है निसार? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मेरी वजह से तेरा गिटार भी टूट गया। इनफैक्ट गलती मेरी भी नहीं है, गलती मेहर की है यार, पंगा उसका, जबरदस्ती भिड़ी वो, और बैंड ही अकेले मेरी बज रही है। कैसी बातें कर रहा है अबीर, अकेली तेरी कैसे बैंड बज रही है? वो भी तेरे साथ थी ना, पिंकी भाई के लोगों ने उसको भी देखा, वो भी खतरे में है अबीर। कम ऑन यार अबीर। सर गाड़ी घुमा, मतलब गाड़ी घुमा। पर अबीर हुआ क्या? मैं बताता हूँ ना, गाड़ी घुमा। अभी तेरी फ्लाइट है यार। अरे अब भाड़ में गई फ्लाइट यार, गाड़ी घुमा मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो ये समझाता हूँ। गाड़ी ओके। मेहर, अब सचमुच चिंता हो रही है मुझे। माँ टेंशन मत लो, निसार उसे अभी तक एयरपोर्ट ड्रॉप कर चुका होगा, वो लोग दुबई नहीं जाने वाले उसके पीछे पीछे। अरे घर से एयरपोर्ट जाएगा वो? पता नहीं, नजर रखे होंगे, रास्ते में घेर लेंगे उसे, और कुछ नुकसान पहुंचाया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, उनकी सीधी बातें मत सोच। किंतु वो यहाँ पर आकर क्यों नहीं रह सकते? I
आई मीन अगर वो यहाँ पर आकर रहेंगे तो एकदम सेफ रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हो गया, मैं तो बस सिर्फ आइडिया दे रहा था। वहां जाके बैठ। निर्मोही होना ना कोई तुमसे सीखे, मैं मुझसे ये पूछने की बजाय मैं कैसा हूं तुम पूछ लो मैं क्या कर रहा हूं। छोड़ो तुम, ले टुन्नू बेटा, जीजू का बैग सही से रख दे, है ना बेटा? सब ठीक तो है? ये चोट बहुत दर्द है मम्मा जी, बहुत दर्द। एक मिनट, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ। कितने बजे की फ्लाइट है मम्मी जी? वो मैं क्या कह रहा था, कितने बजे फ्लाइट है तुम्हारी? खाना बन गया क्या? अभी पराठे बनाने जा ही रही थी। खाके जाओगे? कोई जरूरत नहीं है, बिजनेस क्लास में जा रहा होगा, मिल जाएगा वहाँ पर। अब वो चटपटा अचार मिल जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा, नहीं तो पालक पनीर भी चलेगा। अचार है ना, अभी देती हूँ। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। हा? कुछ 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 तो याद आना। हाँ हाँ हाँ, मम्मी जी एक नया टूथब्रश मिलेगा क्या? घर में कहीं होना तो चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो घर के बाहर एक दुकान है वहां से नया ले आएंगे। मतलब सीधा है कि मैं कोई एक रात थोड़ी यहाँ पे रुकने वाला हूँ, न जाने कितनी रातें मुझे यहाँ रुकना पड़े, मुझे तो एक नया टूथब्रश चाहिए एंड दैट्स फाइनल। तुम यहाँ रहने वाले हो? हाँ बेबी, तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम्हारे कोई कान थोड़ी बज रहे हैं। किससे पूछ के तुम यहाँ रह रहे हो? सो सॉरी मम्मी जी, क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ? बैठो बैठो, पहले खाना खा लो। हाँ जी, आप बताइए ना, क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ? हाँ जीजू, आप बिल्कुल यहाँ रह सकते हो। बिल्कुल नहीं बेटा टन्नू, तुम मम्मी हो नहीं ना? और तुम्हारी मम्मी वाली उम्र अभी तक हो ही नहीं शायद, जिससे पूछा जाए वो जवाब दे। मम्मी जी, क्या मैं रह सकता हूँ? बिल्कुल रह सकते हो बेटा, तुम्हारा ही तो घर है। माँ, ये यहाँ क्यों रहेगा? अब देखिए ना मम्मी जी, होटल में रुकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपनापन मुझे यहाँ से ज्यादा कहाँ मिलेगा मम्मी जी, आपके घर से ज्यादा। अभी बकवास मत करो, बहुत हुआ, अब सीधा सीधा बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। देखिए ना मम्मी जी, सारी गलती मेहर की थी, यही बीड़ी जाके गुंडों से। अब वैसे बात तो तुम्हारी सही है बेटा, तो बस मामला फाइनल। अब जब तक मेरे सिर के ऊपर से खतरा नहीं टल जाता ना मम्मी जी, मुझे यही रहना पड़ेगा ना, मैं यही रहूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं बेटा, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। ये मेरा घर है, तुमने नेम प्लेट पढ़ा था मेरा बाहर? तो मेहर एक बार कह दो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ, तुम्हारी जननी का घर नहीं है। अबीर बकवास मत करो और सीधे बात करो। ये तो अबीर के सवाल का जवाब नहीं हुआ ना मेहर, ये मेरा घर नहीं है। माँ आपको पता नहीं क्यों ऐसा कह रही हूँ माँ? मुझे माफ कर दे अबीर बेटा, ये मेरा घर नहीं है, जिसका घर है उसी की मर्जी चलेगी ना। माँ मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, आपको पता है। माँ क्या बात कर रही हो आप? तो माँ बताइए, क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ या इनके घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा? ठीक है, तुम यहाँ पर रह लो, लेकिन मैं मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है।
ठीक है बेटा, फिर तब तक फिर से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पी लेना। कितना पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है ना। मैं आती हूँ अभी। माँ क्यों आप उसकी बातों में आ रही हो? कुछ भी बोलता है वो, बात घुमा फिरा के आपको कुछ भी बोलता है, क्यों रहने दे रहे हो आप उसे यहाँ पे? अरे क्या करती, इतने प्यार से मदद मांगी उसने, मना कर देती तो रात को सो पाती? माँ तुम समझ नहीं रही हो, मैं नहीं चाहती कि अभी यहाँ रहे। एक तो हर दूसरे दिन उसका बुआ के साथ कलेश होगा, और पिछले 8 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं नहीं चाहती कि वो जाने। कुछ बातें छिपी हुई है ना, उन्हें छिपी हुई रहने दो। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ऐसा कुछ भी उसके सामने नहीं आने दूंगी जो तू नहीं चाहती कि अबीर देखे। वो सब सामान कार्टन में और सूटकेस में डालकर अपने रूम में शिफ्ट कर लूंगी, ठीक है? हे भगवान, भूल गई, फ्रिज में तो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं। ओह नो, अभी वो चलता हुआ अंदर आ जाएगा, मैं उसे संभालती हूँ, आप प्लीज यहाँ पे देख लीजिए। ओके। जीजू, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक तो है ही नहीं, तो मैं आपके लिए बाहर से मंगा दूं? मैं नींबू पानी बना देती हूँ। सुनो, तू जा, मम्मी की हेल्प कर रूम सेट करने में। लेकिन दीदी मुझे भी तो पीना है ना नींबू पानी। तुम रुको ना, ये रुको, मैं आ रही हूँ। तो कैसा नींबू पानी पियोगे तुम? नमक वाला, चीनी वाला, ठंडा, गरम, फिल्टर पानी दो, कैसा पियोगे? क्या मतलब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम, मैं किचन के अंदर अकेले, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए और क्या हुआ। अब मेरे कहने का मतलब है कि तुम उन गुंडों को मार कर आए हो, कहीं उन्हें कोई क्लू तो नहीं मिल गया कि तुम यहाँ पर आए हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो बताओ ना, तुमने पैकिंग शुरू की? हाँ, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आ गए? समझ नहीं आया क्या? क्या क्या, मैं तुमसे बस पूछ रही हूँ कि निसार तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने जा रहा था, तुम घर पर कैसे आ गए, क्या हो गया? तुम अचानक से इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही? अजीब सा क्यों? तुम्हें अजीब सा क्यों लग रहा है? अरे अच्छे से बात तो कर रही हूँ मैं तुमसे। हाँ यही तो प्रॉब्लम है। महर, बेटा बन गया नींबू पानी? तुम मेरे घर पर घुस तो आए हो, लेकिन यहाँ पर जब तक हो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे, समझ में आई? ये लो तुम्हारा नींबू पानी। आह, लड़ी बेड़ी, अब नॉर्मल है, ठीक है बॉस। ये क्या है, कम से कम 100 फोन्स किए होंगे मैंने आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से मैं आपको बार बार फोन कर रही हूँ? आपके पास आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। बस बस बस, आवाज ऊंची करके बात करने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में नए शौक मत पालो। अब क्या कहे तुम्हारे बेटे? ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे बेटे की गलती हो, उसी ने कुछ किया, कुछ कुछ गुंडे बदमाश वो मेहर को परेशान कर रहे थे, और मेहर को उनसे बचाते बचाते अबीर की झड़प हो गई उनके साथ, और अब वो हमारे बेटे को ढूंढ रहे हैं। वो अबीर के ऑफिस पहुंच गए चाकू छुरी लेकर, किसी एमएलए का भाई है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कुछ भी हो सकता है हमारे बेटे के साथ, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। I don't know what to do, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। अबीर, अबीर दोपहर की फ्लाइट लेकर दुबई जाने वाला था। I don't know वो कहाँ है। अब तक तो पहुंच गया होगा, से फोन करता हूं। पता नहीं किस हाल में होगा।
अबीर बेटा सुबह से परेशान हो गए होगे तुम, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ओके मम्मी जी। मम्मी जी देखिए मेरे फोन पे किसी का फोन आ रहा है, उठा के बोल दीजिए थोड़ी देर बाद फोन करेगा। हेलो हेलो कौन बोल रही है? अरे फोन आपने किया है, आप कौन बोल रहे हो? मैं अबीर का डैड बोल रहा हूँ। अबीर कहाँ? अब बताइए कौन बोल रही है? ओ, कुबेर भाई साहब नमस्ते। सॉरी मैं सुमन बोल रही हूँ, मेहर की माँ। ये अबीर का फोन आपके पास कैसे आया? वो अबीर ने कहा वो फोन बज रहा था, मैंने भाई साहब अबीर फ्रेश होने गया है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।